खंडवा जिले के पंधाना क्षेत्र में अवैध उत्खनन इन दिनों जोरों पर है, लेकिन संबंधित विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। अवैध रेत माफियाओं ने नदी नालों एवं तालाबों को खोखला कर दिया है। इन अवैध कारोबारियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि दिन में भी रेत गिट्टी मुरम का अवैध परिवहन करने से ये लोग नहीं डरते। खंडवा जिले के पंधाना ग्राम अंतर्गत ग्राम निहालवाड़ी में शासकीय जमीन पर अवैध उत्खनन की सूचना मिलते ही राजस्व विभाग के पटवारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी मशीन एवं दो ट्रैक्टरों को पकड़ा और तहसील कार्यालय ले जाकर जब्ती की कार्रवाई कर वाहनों को थाने में खड़े करवा दिए। अवैध उत्खनन को रोकने एवं कार्रवाई करने गई टीम में हल्का पटवारी अंकिता डाबर, शिल्पा शुक्ला, सुमित कटारिया, रुचिता मौर्या, प्रवीण मैले एवं पटवारी देवेंद्र उपाध्याय मौजूद थे। मैडम बताइए कि ग्राम नहालवाड़ी के आप हल्का पटवारी हो जी, तो ये अवैध उत्खनन कहाँ हो रहा था? मेरे क्षेत्र भ्रमण के दौरान वहाँ से कुछ ट्रॉलियाँ मुरम निकालती हुई पाई गई शासकीय तालाब से, तो मेरे द्वारा वहाँ पर स्वीकृति पूछी गई उनसे कि उनके पास किसी भी प्रकार की स्वीकृति है कि वो मुरम निकाल सकते हैं। उनके द्वारा बताया गया कि उनके पास किसी भी प्रकार की स्वीकृति नहीं है, तो इस आधार पर मैंने तहसीलदार मैडम से बात की। उन्होंने कहा कि जो भी गाड़ियाँ हैं उन्हें तहसील ऑफिस तक ले आएंगे, तो वहाँ तक ले जाएंगे। आप ले आए, बाकी कार्रवाई तहसीलदार मैडम करेंगे, आगे की कार्रवाई तहसीलदार करेंगे। थैंक यू। आपका परिचय दीजिए। मैं ग्राम पटवारी। आपका नाम बताइए। अंकिता डाव। मैडम ये जो आपके यहाँ जो आज जेसीपी और जो ट्रैक्टर मुरुम से भरे पकड़ा है, तो क्या मामला है? शिकायत आई थी कि हम निहालवाड़ी में शासकीय जो जमीन है वहाँ पर अवैध उत्खनन हो रहा है। पटवारी वहाँ पर गए थे और पुलिस को भी भेजा है, वहाँ पर भेजा था और वो पकड़ के लेके आए, उनका प्रकरण बन गया है और अभी सुपुर्दगी में थाने में गए। मैडम एक पटवारियों की टीम गठित करके पूरी भेजी थी क्या? हाँ, मतलब ये लोग उधर ही थे, तीनों चारों पटवारी, तो वहाँ पर साथ में लेके आए और अभी उसको सुपुर्दगी में थाने में ले लिया। कल कार्रवाई? कल उसका प्रकरण बन के एसडीएम साहब को चला गया।